हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा वीडियो विद्या सीरीज। मेरा नाम है रामा। आज हम बताएंगे आपको मार्कर के बारे में। मार्कर बेसिकली एक इंडिकेशन होता है कि आप इस लोकेशन पे या इस पोजीशन में या पर्टिकुलर क्लिप में या पर्टिकुलर टाइमलाइन पे कोई चेंज करना चाहते हैं या कोई इंफॉर्मेशन आप वहां पे ऐड करके रखना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग मार्कर का प्रयोग करते हैं। हमारे कई प्रकार के मार्कर्स का प्रयोग किया जाता है, उनको अलग अलग उद्देश्य होते हैं, अलग अलग काम होते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं दो टाइप के मार्कर, जो अलग अलग टाइप के मार्कर्स होते हैं और अलग अलग लोकेशन पे यूटिलाइज किए जाते हैं। सबसे पहला मार्कर आपको बताता हूं कि जो वो मार्कर जो सोर्स मॉनिटर पे यूज किया जाता है क्लिप के ऊपर, जो आपको यहाँ पर सोर्स मॉनिटर में लोअर साइड में देखेंगे एड मार्कर का आइकन आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है, इसको आप क्लिक करके मार्कर का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे एक देखिए मार्कर बन के आ जाएगा। यदि आपको ये आइकन यहाँ पर नहीं मिलता है तो यहाँ पर प्लस निशान पे क्लिक करके यहाँ से ड्रैग करके इस आइकन को यहाँ पर ला सकते हैं, रोके कर सकते हैं, यहाँ पर मार्कर का निशान लग सकते हैं। तो यहाँ से आप इस मार्कर का प्रयोग कर सकते हैं या मार्कर मेनू में जा करके ऐड मार्कर का प्रयोग कर सकते हैं। ऐड मार्कर भी करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करके मार्कर में जाएंगे, यहाँ पर ऐड मार्कर करेंगे तो भी आपका मार्कर का प्रयोग हो जाएगा और यहाँ पर मार्कर लग जाएगा। इसके अलावा यदि हम जाते हैं टाइमलाइन विंडो में, टाइमलाइन विंडो पे भी मार्कर लगाने के लिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको मार्कर आइकन दिया जाता है, इसको क्लिक करके भी मार्कर का प्रयोग किया जा सकता है। सबसे पहले बात आती है कि मार्कर कितने टाइप के होते हैं। लोकेशन तो हमने आपको बता दिया कि आपको सोर्स मॉनिटर में और टाइमलाइन विंडो पर भी लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि हम टाइमलाइन विंडो पे जाते हैं, यदि पर्टिकुलर क्लिप के किसी भाग में लगाना चाहते हैं, ये तो आपको टाइमलाइन पर विंडो में टाइम कोड एरिया में लगता है। यदि आप किसी क्लिप पे लगाना चाहते हैं तो क्लिप को सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद मार्कर आइकन का प्रयोग करेंगे तो आप पर्टिकुलर क्लिप के ऊपर भी मार्कर का प्रयोग कर सकते हैं। यानी आपके सामने तीन लोकेशंस होती हैं जहां पर हम मार्कर का प्रयोग कर सकते हैं, एक सोर्स मॉनिटर में, एक आपका टाइमलाइन विंडो में और एक क्लिप के ऊपर। इनके अतिरिक्त टाइमलाइन पे या सोर्स मॉनिटर पे क्लिक किए गए मार्कर्स का जो डिटेल है वो आपको एक मार्कर पैनल होता है उसमें दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि हम विंडो में जाते हैं, यहाँ पर आपको एक मार्कर का पैनल मिलता है। ये जो है मार्कर पैनल है, इसको आप यहाँ पे जब सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ने लगता है। यदि आपने हमने यहाँ पर टाइमलाइन सेलेक्ट किया तो टाइमलाइन पर लगे मार्कर की संख्या यहाँ पर आपको दिखाई पड़ती है। इसके अलावा यदि आपने सोर्स मॉनिटर में कोई मार्कर का प्रयोग करके रखा है और सोर्स मॉनिटर को आपने सेलेक्ट करेंगे तो सोर्स मॉनिटर में लगाए गए मार्कर की डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगी। मार्कर्स का प्रयोग करने के लिए हमें या तो टाइमलाइन विंडो पे आइकन का प्रयोग करते हैं या सोर्स मॉनिटर में भी आइकन का प्रयोग करते हैं, या इसके अतिरिक्त यहाँ पर जाकर के आप चाहें तो राइट क्लिक करने के बाद भी यहाँ पर ऐड मार्कर का ऑप्शन आता है, इसका भी प्रयोग करके भी मार्कर का प्रयोग किया जा सकता है। और मार्कर पैनल में यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन यदि आपको लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके इसका नाम दे सकते हैं, पर्टिकुलर मार्कर का नाम क्या है। यदि आप इसका कोई पर्टिकुलर कलर चेंज करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करके आप पर्टिकुलर कलर भी चेंज कर सकते हैं, और इसके बारे में यहाँ पर सर्च किया जा सकता है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर्स होते हैं, कलर्स के मार्कर्स होते हैं, उनके बारे में डिटेल में यहाँ पर जानकारी मिल सकती है। इसके बारे में हम आगे और डिटेल में चर्चा कर रहे हैं, इनको कैसे प्रयोग कर सकते हैं और कितने प्रकार के मार्कर्स होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगले वीडियो तक रामा की राम राम।